दोस्तों, अगर आप भी YouTube पर अपना कोई डांसिंग चैनल बना करके यानी कि डांसिंग वीडियोस अपलोड करके YouTube से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं और कहीं अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि अगर आप कोई डांसिंग चैनल ओपन करते हैं या आप अपने YouTube चैनल पर डांसिंग वीडियोस डालते हैं तो आपके कॉन्टेंट पर, आपके वीडियोज पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और आपका चैनल बंद भी हो सकता है और साथ ही साथ आपकी कोई अर्निंग भी यूट्यूब से नहीं होगी। तो आप लोगों की इस गलतफहमी को आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा सही तरीके से, सही प्रोसेस से कि आप YouTube से कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई डांसिंग चैनल आप ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप उससे पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छी खासी अर्निंग लेकर के जा सकते हैं अपने YouTube के ही प्लेटफॉर्म से। जी हां दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप देख रहे हैं वन टेक्नोलॉजी, आई कुछ नया जानते। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सारी जानकारी देने से पहले, मैं आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट और छोटा सा ही निवेदन यही करना चाहूंगा कि वीडियो आपको अगर कहीं पर पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जहां कहीं पर भी डांसिंग का वीडियो पड़ेगा यूट्यूब के चैनल पर, तो वहां पर कॉपीराइट क्लेम उसके पीछे पीछे आता ही रहेगा। जी हां, जैसे ही आपने कोई डांसिंग का वीडियो अपलोड किया, क्योंकि देखिए आप डांस करेंगे तो किसी ना किसी गाने पर करेंगे, किसी ना किसी ऑडियो ट्रैक पर करेंगे, तो जैसे ही आपने कोई ऑडियो ट्रैक यूज किया तो तुरंत ही आपके उस वीडियो पर आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा और जितने वीडियोस आप अपलोड करते जाएंगे सभी पर आपको कॉपीराइट क्लेम मिलता चला जाएगा। डांसिंग के वीडियोस में होता क्या है कि डांसिंग का अगर आपका चैनल है तो उस पर सब्सक्राइबर्स और उस पर जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं। बहुत तेजी से आपके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा तेजी से आपके चैनल का जो 4000 पब्लिक वॉच आवर का क्राइटेरिया होता है वो भी काफी तेजी से हो जाएगा, यानी कि आपका चैनल कंप्लीटली मोनेटाइज तो हो जाएगा लेकिन आपके चैनल पर इतने सारे कॉपीराइट क्लेम होंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको आपकी अर्निंग नहीं मिल पाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी गाना आप यूज करते हैं तो उस गाने का जो भी प्रोड्यूसर होता है, जिसने उस गाने को बनाया होता है, जिसने उस गाने को काफी ज्यादा मेहनत करके लिरिक्स वगैरह बनाए होते हैं, उसमें म्यूजिक वगैरह दिया होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपकी वीडियो पर क्लेम कर देते हैं। ठीक है, कि मतलब आपकी वीडियो से जितनी भी अर्निंग हो रही है उसका वो सारा हिस्सा वो ले लेंगे। अब कुछ प्रोड्यूसर्स अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो 50% आपको दे देते हैं कि भाई चलो गाना मेरा था लेकिन कंटेंट आपका था, इसलिए 50% मैं रखूंगा और 50% आप रखिए। और कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं 70% रखूंगा, आप 30% रखिए। और उनमें से भी कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं मैं पूरा 100% रखूंगा। तो अगर इस तरीके से आपके सामने प्रोड्यूसर्स की लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई अर्निंग डाउन हो गई लेकिन मेरे पास सब्सक्राइबर बेस है और मेरा चैनल भी मोनेटाइज है, तो अब मैं अर्निंग कैसे कर पाऊंगा, मैं YouTube पर अर्निंग कैसे करूं, मैं YouTube पर वीडियो बनाऊं ही क्यों क्योंकि मेरी अर्निंग तो हो ही नहीं रही है। क्योंकि YouTube पर आने का सिर्फ देखिए दो ही रीजन होते हैं, दो ही कारणों से लोग YouTube पर आते हैं। पहला कारण होता है पैसा, कि मैं YouTube पर वीडियोस बनाऊंगा, लोगों को अच्छी-अच्छी जानकारी दूंगा, फिर अपने चैनल को मोनेटाइज करा लूंगा तो जो उससे अर्निंग होगी वो मुझे मिलेगी। ठीक है, ये तो पहला कारण हो गया। और जो दूसरा कारण होता है वो है नेम और फेम। ठीक है, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने नाम और अपने फेम के लिए ही काम करते हैं, तो आपको डांसिंग चैनल से नेम और फेम तो बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा क्योंकि इसमें जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है वो खींची चली आती है ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, तो अब क्या हो गया, देखिए आपके पास पैसा तो नहीं है लेकिन आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस है और एक अच्छी खासी कम्युनिटी है। तो दोस्तों, आप जहां चाहे इस कम्युनिटी को मोल्ड कर सकते हैं, जहां चाहे आप अपनी ऑडियंस को लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप गाना की कोई वीडियो डालते हैं, अगर आप अपने डांसिंग वीडियोज में गाने यूज करते हैं तो वहां पर आपको कॉपीराइट क्लेम मिलेगा जिससे आपकी अर्निंग तो जीरो हो जाएगी। ठीक, जीरो नहीं हो जाएगी मतलब कम होगी अर्निंग आपकी। ठीक, अब आप वहां से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो आपको कंपनियां स्पॉन्सर करेंगी, आपको प्रमोशंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब स्टॉक्स के प्रमोशन हो गए वो मिल सकते हैं आपको, शूज के प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, ड्रेसेस के प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, तो वहां से आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी क्योंकि आपके पास ऑडियंस है। तो वो कंपनियां क्या करेंगी कि आपको प्रमोशन के लिए अपना प्रोडक्ट्स देंगी, तो उससे आप कुछ पैसा चार्ज कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और आपकी अर्निंग भी वहां से हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अमेजॉन वगैरह पर अपनी एफिलिएट एक अकाउंट बना लीजिए, वहां से प्रोडक्ट्स के लिंक लेकर के अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालिए, जैसे शूज हो गए, माइक हो गया, कैमरा हो गया, लाइट्स हो गई, ड्रेसेस हो गए, इन सभी प्रोडक्ट्स के आप लिंक अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल सकते हैं, तो वहां से भी आप एक मोटी अर्निंग करके जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, ये तो हो गए YouTube के प्लेटफॉर्म की बात की। YouTube के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको गूगल एडसेंस के थ्रू कमाई नहीं हो रही है तो उसके अलावा आप किन किन तरीकों से कमाई कर सकते हैं। अब इसके बाद
और आप कमाई कहाँ कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस हो गई, एक अच्छी खासी कम्युनिटी आपकी बिल्डअप हो गई है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी चला सकते हैं। आप अपने गली मोहल्ले में कहीं पर डांसिंग क्लासेस ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपके नेम फेम के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के जुड़ जाएंगे, तो वहाँ से भी आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप अपनी ऑडियंस को जो छोटे छोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि जोश हो गया, मौज हो गया या एमएक्स टकाटक हो गया, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप डाइवर्ट कर सकते हैं। उन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको लेकर के जा सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पर लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपकी एक कम्युनिटी बिल्डअप हो चुकी है, अगर आपके पास कुछ फॉलोअर्स हैं आपके, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं आपके, कुछ फैमिली बन चुकी है अगर आपकी, तो जहां आप रहेंगे वहीं पर आपकी फैमिली भी आपको फॉलो करती चली जाएगी। तो आप अपनी फैमिली को, अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो वो है फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप इंस्टाग्राम पर डाइवर्ट करा स्विच करा सकते हैं, उनको आप एमएक्स टकाटक पर स्विच करा सकते हैं, जोश पर स्विच करा सकते हैं, और वहां से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि यूट्यूब पर अगर गूगल एडसेंस के थ्रू डांसिंग चैनल पर अर्निंग नहीं हो रही है, तो ये जो चैनल्स खुले हुए हैं यूट्यूब पर, ये अर्निंग कैसे करते हैं। तो इतने सारे रास्ते होते हैं, इतने सारे तरीके होते हैं कि आप अपना यूट्यूब पर एक चैनल, डांसिंग चैनल ओपन करके वहां से अपनी ऑडियंस को किसी और प्लेटफॉर्म पर स्विच करा करके अर्निंग कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस से अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पर कोई डांसिंग चैनल ओपन करने की सोच रहे थे, तो बेधड़क ओपन करिए। मैंने आपको सभी रास्ते बता दिए हैं, सभी तरीके बता दिए हैं जिन तरीकों से आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो कहीं पर एंड करना चाहूंगा, आज के बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि अगर आपका कोई डांसिंग का चैनल है, तो आप किन किन रास्तों से, किन किन तरीकों से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो अगर आप लोगों को जरा से भी नॉलेज भी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और व्यूज जरूर ड्रॉप करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।